गुड इवनिंग दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट। एक पहले पार्ट में आप लोगों को हम बहुत सारे करेक्शन बता चुके हैं, अब इसमें शेष जो बचे हैं उनको भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी सेंड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम। कह रहा है वन के साथ पॉसिव केस में वंस का प्रयोग होता है, हिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी वन जब आता है कर्ता के रूप में, कोई कर्ता के रूप में जब वन आ जाए तो उसके साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आनी चाहिए? वंस आनी चाहिए, हिज नहीं आना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी किसी को या किसी व्यक्ति को अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए या अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे अपने की अंग्रेजी जो आती है वो वन के साथ में वंस आती है, हिज का प्रयोग नहीं होता है। हिज का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, गलत माना जाता है। सेकंड देखते हैं अगले नंबर पर। कह रहा है ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों तथा वन एन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। यानी अगर ईच अदर का प्रयोग हमें करना है कहीं पे तो हम वहीं कर सकते हैं जहां पर दो व्यक्ति हों। अगर दो व्यक्ति से ज्यादा हो गए तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वन एन अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे एज एग्जांपल हम देख सकते हैं, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। यानी दो ही व्यक्ति हैं, इसलिए राम और श्याम हैं, इसलिए हमने क्या किया, ईच अदर का प्रयोग कर दिया। और अगली लाइन में हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, राम श्याम एंड गोपाल लव वन अनदर। यहाँ पे देखिए तीन लोग हैं, यानी तीन पर्सन हैं, राम है, श्याम है और गोपाल है। ये तीनों लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो या तीन, तीन से मतलब दो से अधिक रहेंगे तो वन अनदर का प्रयोग हम करेंगे एक दूसरे की अंग्रेजी के लिए, और अगर दो ही व्यक्ति रहेंगे तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। कह रहा दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन यदि एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हों, दो कह रहा है दो या दो से अधिक अगर जुड़े हों एंड से तो उनके साथ में प्लूरल का ही प्रयोग होता है। जैसे ही एंड हिज फ्रेंड हैव अराइव्ड। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं वह है और उसका मित्र है। वैसे भी हम एक से ज्यादा हो गए, अलग अलग पर्सन को व्यक्त कर रहा है, एंड जो है अलग कर रहा है, यानी उसका मित्र और वह, तो दो ही दो लोग हो गए, तो दो लोग का मतलब बहुवचन में हो गए, तो बहुवचन के साथ क्या करना है हमको, समझ लीजिए बहुवचन का ही प्रयोग, बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए हैज ना आकर के हैव का प्रयोग हुआ है, यानी बहुवचन प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट यदि आर नार आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ भी वही है, कह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हों, मतलब एक वचन करता हों, और वो जुड़े किससे हों, आर से, नार से, आइदर आर या नाइदर आर नार से जुड़े हों, तो उनके साथ में सिंगुलर यानी एक वचन वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल के रूप में, आइदर राम आर श्याम हैज हेल्प्ड योर ब्रदर। यहाँ स्पष्ट है कि या तो राम ने या तो श्याम ने, यानी राम या श्याम दोनों में से किसी एक ने, ऐसा नहीं है कि दोनों ने। तो जब दोनों नहीं है, एक ही है, तो स्वाभाविक रूप से क्रिया जो हमारी लगेगी वो एक वचन की लगेगी, यानी हैज का प्रयोग होगा। अगले में वही देखिए, कह रहा आइदर नाइदर ईच एवरीवन मेनी ए के पश्चात सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होता है। यानी इन सब के बाद जो है किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। यानी नाइदर हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया, एवरीवन मेनी ए, इन सब के बाद क्रिया जो हम लगाएंगे, वर्ब जो लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, एक वचन का लगाएंगे। उदाहरण जैसे देख लेते हैं हम, ईच ऑफ यू हैज हेल्प्ड मी,
ईच ऑफ यू हैज हेल्प्ड मी, तुम्हें से प्रत्येक लोगों ने मेरी मदद की। कहने का मतलब प्रत्येक लोगों ने, प्रत्येक का मतलब अलग अलग है, यानी हर एक आदमी या हर एक व्यक्ति ने मेरी मदद की। तो यहाँ पे एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एंड द्वारा जुड़े हुए नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का या एक ही प्रकार के भाव प्रकट हों, ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कह रहा अगर एंड से दो ऐसे नाउन्स जुड़े हों जिनसे पढ़ने में या बोलने में हमको ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति के हैं ये, यानी एक ही प्रकार की वस्तु है, एक ही प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हों या एक ही प्रकार के व्यक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो हम उनके साथ में क्या करेंगे, एक वचन क्रिया लगाएंगे। जैसे कह रहा है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई और ईमानदारी, यानी दोनों का भाव क्या है, ईमानदारी और सच्चाई भाव दोनों का सेम है, चाहे हम ट्रूथ कह लें चाहे कह लें ऑनेस्टी कह लें यानी ईमानदारी कह लें, चाहे सच्चाई कहें चाहे ईमानदारी कहें, भाव दोनों का क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है। अगर ऐसे भाव उत्पन्न होते हों दोनों वर्डों से तो हम उनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अगला है दोस्तों, जब दो नाउन से अलग अलग व्यक्ति प्रकट हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वही उसी का उल्टा समझ लीजिए, यानी दोनों से ऐसे व्यक्त हों, दोनों एंड से जुड़े हों और हमको ऐसा लगे कि दोनों अलग अलग हैं, एक ही व्यक्ति का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। जैसे द स्कॉलर एंड द पोएट, यानी स्कॉलर और पोएट ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनके साथ में क्या लगाएंगे, हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है यदि वह पूरे समूह को प्रकट करे। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जो होती है उसके साथ में हम क्या करते हैं, एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह पूरे समूह को प्रदर्शित करता है, पूरे समूह को प्रकट करता है। इसलिए अगर पूरे समूह को प्रकट नहीं करेगा तो एक वचन नहीं लगाएंगे, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। पर अगर ऐसी स्थिति में कह रहा है यदि वह पूरे समूह को प्रकट करे तो हम एक वचन क्रिया लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, द मॉब हैज डिसअपीयर्ड, भीड़ गायब हो गई। कहने का मतलब मॉब जो है ये ऐसा दर्शाता है, समूहवाचक संज्ञा तो है ही, और ऐसे दर्शा रहा है कि ये एकाएक कहीं पे गायब हो गई, सारी मॉब जो थी, सारी भीड़ जो थी वो गायब हो गई, यानी इसके साथ में हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगला देख लेते हैं, जब प्लूरल नाउन किसी सिंगल क्वांटिटी को व्यक्त करे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 60 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 60 मील्स यानी 60 मील्स जो होती है वो एक लंबी दूरी होती है। अब यहाँ मील्स है, 60 मील्स का मतलब ज़्यादा है ना, 60 है, एक या एक की बात तो कर नहीं रहा है, दो की बात तो कर नहीं रहा है, बहुत है, यानी कि बहुवचन में है, पर ये एक हमको क्वांटिटी परिणाम ये बता रहा है, यानी 60 मील जो है ये परिणाम प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी इज का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं मित्रों, दो नाउन्स यदि विद एज वेल एज टुगेदर विद इन एडिशन टू आदि से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी ऐसे नाउन हो जो दो नाउन हो और इन वर्डों से जुड़े हों आपस में तो उनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे द किंग विद हिज प्राइम मिनिस्टर वाज किल्ड, राजा विद हिज प्राइम मिनिस्टर, विद का देखो प्रयोग हुआ है, यानी विद के साथ अगर जुड़े हों तो राजा और उसके उसका प्रधानमंत्री वाज किल्ड, मार दिए गए। यानी यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे राजा है और मिनिस्टर भी है, यानी दोनों लोग मारे गए हैं, पर क्रिया कौन सी आई है, एक वचन की क्रिया आई है, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, विद से जुड़ा है, और विद से अगर जुड़ा होगा या एज बेल एज से जुड़ा होगा, टुगेदर विद से जुड़ा होगा, इन सब चीजों से अगर जुड़ा है तो क्रिया क्या आएगी, एक वचन की आएगी। अगला देखते हैं, जहां आदत प्रकट होती है
वहाँ प्रेजेंट टेंस में यूज टू तथा पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग होता है, यानी आदत अगर प्रकट हो, जैसे हम कहें हम स्कूल जाया करते हैं, पक्षी उड़ा करते हैं, इस टाइप की आदत अगर प्रकट हो तो वहाँ अगर प्रेजेंट टेंस में रखना है तो यूज टू का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में कोई बात कहनी हो तो यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ही यूज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता है। यही चीज अगर पास्ट टेंस में होता तो यहाँ पे यूज टू कर देते हम। अगला देखते हैं मित्रों, बिसाइड का प्रयोग बगल के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में होता है। यानी बिसाइड और बिसाइड्स में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे एस लग गया है, इसमें एस नहीं लगा है। तो बिसाइड अगर लगा है, लिखा गया, इसका मतलब बगल होता है, और बिसाइड्स है तो उसका मतलब अतिरिक्त होता है। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं, ही बॉट पेन बिसाइड्स बुक, उसने कलम खरीदी किसके अतिरिक्त, यानी किताब, किताब के अतिरिक्त उसने कलम खरीदी। तो मित्रों ये आज का हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट था करेक्शन का। आप चैनल, हमारे चैनल को आप बराबर देखते रहिए, आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो, आपके लिए उपयोगी वीडियो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से लाते रहेंगे। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि चैनल को जहाँ तक हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को सेंड कीजिए, ताकि इसका लाभ लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।